हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो नीट यूजी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। जो भी स्टूडेंट्स नीट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो स्टूडेंट्स मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो गाइस, दो अर्जेंट ऑफिशियल नोटिस जारी हुए हैं, काइंड अटेंशन नोटिस है। तो आज वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। दोनों ही नोटिस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि एक दिन का भी डिले होता है तो मौका आपके हाथ से निकल सकता है। तो आज इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करने वाली हूँ। इससे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नीट यूजी ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दोनों से रिलेटेड की हर टाइप की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब गाइज, हम चलते हैं जो अर्जेंट ऑफिशियल नोटिस जारी हुए हैं, जिनकी आज लास्ट डेट है। अगर आपने अब तक नहीं किया है वो काम, तो कर लीजिएगा फटाफट। सबसे पहले हम ऑफिशियल नोटिस ओपन करते हैं, तो देखिए। तो गाइस, सबसे पहले जो अटेंशन कैंडिडेट, काइंड अटेंशन कैंडिडेट जो एमसीसी के थ्रू जारी किया गया है, तो गाइस ऑलरेडी जो है एक ऑफिशियल नोटिस पहले जारी किया जा चुका था डेट के एक्सटेंशन को लेकर, और अब फिर से ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है, वापस से डेट एक्सटेंड की गई है। किसके रेफरेंस में है ये आप देख सकते हैं। जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग चल रही है मॉपअप राउंड की, आप सभी को पता है एमसीसी जो ऑल इंडिया कोटा का मॉपअप राउंड है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। उसका जो रिपोर्टिंग टाइम है वो एक्सटेंड किया जा रहा है। तो रिपोर्टिंग फेज जो है मॉपअप राउंड यूजी काउंसलिंग का, जो कि अवेलेबल था ओनली 29 मार्च तक शेड्यूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो एमसीसी ने काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट रिसीव की कैंडिडेट से डेट के एक्सटेंशन को लेकर, क्योंकि बीच में जो हॉलीडे और बैंक स्ट्राइक आने की वजह से स्टूडेंट्स की जो फी है वो रह गई थी। इस वजह से डेट एक्सटेंड के लिए रिक्वेस्ट की थी काफी सारे स्टूडेंट्स ने। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए, और जो बैंक का क्लोजर रहा है इन सब को ध्यान में रखते हुए, रिपोर्टिंग फेज का कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने डिसाइड किया है एक्सटेंड करने का। जो रिपोर्टिंग टाइम है 2 दिन और बढ़ा दिया गया, तो 31 मार्च को इवनिंग 5 PM तक आप रिपोर्ट कर सकते हैं। लास्ट डे रहेगा गाइस, इसके बाद आपको कोई भी बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। तो 31 मार्च तक आपको रिपोर्ट करना है, सो दैट कैंडिडेट आर नॉट पुट टू इनकन्वीनियंस इन पेमेंट ऑफ फीस, ताकि स्टूडेंट्स को फी पेमेंट करने में कोई असुविधा ना हो, ठीक है। अब हम चलते हैं गाइज नेक्स्ट ऑफिशियल नोटिस जो जारी हुआ है उसकी तरफ। तो गाइज, नेक्स्ट ऑफिशियल नोटिस है राजस्थान स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए मॉपअप राउंड का। तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है 29 मार्च को आपके डिक्लेयर हो चुकी है। अब बात आती है सीट अलॉटमेंट की, ऑन मेरिट अलोंग विद सबमिशन ऑफ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बिफोर द बोर्ड एट RUHS कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज सुभाष नगर बिहाइंड TB हॉस्पिटल जयपुर, ठीक है। 3 अप्रैल और 4 अप्रैल को याद रखना है। जो फिजिकल रिपोर्टिंग होगी, डॉक्यूमेंट चेकिंग एंड वेरिफिकेशन एट अलॉटेड कॉलेज अलोंग विद अलॉटमेंट लेटर, डिपोजिशन ऑफ फी प्रिस्क्राइब बाय द कॉलेज, रिक्वायर्ड बॉन्ड्स एटसेट्रा एंड अदर डॉक्यूमेंट एज लिस्टेड इन द इंस्ट्रक्शन बुकलेट, 3 अप्रैल से 6 अप्रैल इवनिंग 4 PM का टाइप है, ठीक है। और उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है, इंस्ट्रक्शन दी गई है जो कि आपको पढ़नी है, ठीक है। जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं उनके लिए क्या है, कैंडिडेट हु हैज ऑलरेडी ज्वाइंड अ सीट अलॉटेड थ्रू राजस्थान स्टेट काउंसलिंग और एनी अदर स्टेट काउंसलिंग इंक्लूडिंग ऑल इंडिया काउंसलिंग शैल नॉट बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन मॉपअप राउंड। कल मेरे पास एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि हम पहले पार्टिसिपेट कर चुके हैं, एडमिशन ले चुके हैं, तो क्या अब मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो गाइज, आपके क्वेश्चन का यहाँ पर क्लियरली आंसर दिया गया है, ठीक है। यू विल नॉट बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द मॉपअप राउंड, ओके ओके। नेक्स्ट दिया है, अगर कोई कैंडिडेट अलॉट, एक कैंडिडेट को अलॉट होती है सेकंड राउंड में काउंसलिंग में कोई सीट और वो ज्वाइन नहीं करता है अलॉटेड सीट को, तो वो एलिजिबल होगा मॉपअप राउंड में। फ्रेश रजिस्ट्रेशन उनको करना पड़ेगा और जो रजिस्ट्रेशन फी होगी वो उनको वापस से सबमिट करवानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद जो कैंडिडेट अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज 12th जो है
वो कंसिडर किए जाएंगे अलॉटमेंट आफ्टर एग्जॉस्टिंग द कैंडिडेट हैविंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिटवीन फर्स्ट टू टेंथ। ठीक है, तो गाइज ये कुछ एडवाइस दी गई है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है जो आपको पढ़नी है। तो ये दो इंपॉर्टेंट नोटिस जो है जारी हुए थे, तो जैसे ही कोई और स्टेट का अपडेट जारी होता है आपको इस चैनल के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो गाइज जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। ओके, थैंक यू गाइज।